हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आदित्य सिंह आप सभी लोगों का गो ग्रीन विद ऑर्गेनिक चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक खूबसूरत दिखने वाले प्लांट तथा बहुत ही बेहतरीन मेडिसिनल प्लांट शतावरी के बारे में। इसे एस्पार्गस कहते हैं और ये कई सारे वेराइटीज़ में आता है। ये लोकल शतावरी जो कि इसका यूज मेडिसिन में किया जाता है, इसको एस्पर्गस रेसिमोसस कहते हैं और इसकी कई सारी वेराइटीज़ लगाई गई हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं उसे। जैसा कि ये ऑर्नामेंटल के लिए किया जाता है, इसे एस्पर्गस डेंसी फ्लोरा कहते हैं। और ये इधर इसे फॉक्सटेल फर्न या फिर एस्पर्गस मायरी भी कहते हैं। और ये बीच में इन दोनों का एक इंटरमीडिएट जिसका नाम मुझे नहीं पता है, ये कई सारी वेराइटीज़ में आती हैं। इस प्लांट के बहुत सारे मेडिसिनल यूज हैं। आज हम इसकी केयर और इसके यूज और इसको लगाना कैसे है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस प्लांट को सीड के थ्रू और इसकी रूट को डिवाइड करके, इसकी रूट्स को फैसिकुलेटेड रूट्स कहते हैं, इसकी रूट को डिवाइड करके हम एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट्स को सीड के थ्रू तैयार किया गया है। इसका पुराना तथा मेच्योर प्लांट में सीड बनता है, हम उसको सीड को कलेक्ट करके जर्मिनेट करते हैं। शतावरी के सीड्स का जर्मिनेशन पीरियड नियरली 30 दिन से लेकर 60 दिन तक होता है, जिसमें ये जर्मिनेट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं और नए प्लांट के रूप में तैयार होते हैं। इस प्लांट को मैंने सीड के थ्रू ग्रो किया है। इसको मैंने फरवरी में लगाया था और ये नियरली 3 से 4 महीना पुराना प्लांट है। अब हम इसे निकाल करके किसी एक अच्छे कंटेनर में लगाएंगे, जिससे कि ये देखने में अच्छा तो लगेगा ही और धीरे धीरे इसमें 1-1.5 साल में इसकी रूट्स अच्छे से डिवाइड हो करके बढ़िया रूट तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए, इस ट्रे में मैंने नियरली 15-20 प्लांट लगाए हुए हैं। इसको हम निकाल करके एक बड़े कंटेनर में लगाते हैं। हाँ, तो हमने इस प्लांट्स को निकाल लिया है और अब हम इसके सीडलिंग्स को निकाल करके, देखिए इसमें रूट्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, इसको निकाल करके हम बढ़िया कंटेनर में लगाएंगे। इसमें अच्छे से रूट बनना स्टार्ट हो गई हैं। इसको हम अलग अलग प्लांट्स को सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको केयरफुली बड़े कंटेनर्स में लगा देंगे, जिससे कि रेनी सीजन चल ही रहा है, ये प्लांट अच्छे से निकल जाएंगे। हाँ, तो दोस्तों, मैंने सारे प्लांट्स को जो इस ट्रे में लगे हुए थे उसको सेपरेट कर लिया है। मैंने नियरली इस ट्रे में 25 और 30 सीड्स लगाए थे, जो कि 90-95% सीड्स सारे जर्मिनेट हो चुके हैं और अब हम इस प्लांट्स को इस बड़े कंटेनर में लगाएंगे, जिसमें मैरीगोल्ड्स के प्लांट्स लगे हुए हैं और इसको हम बीच में लगा देंगे तो ये प्लांट अपना बुशी शेप में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और किनारे किनारे ये मैरीगोल्ड के फ्लावर विंटर में फ्लावरिंग करेंगे। तो चलिए हम अब इसको लगाते हैं। इस प्लांट को हमें धीरे धीरे इसमें लगा लेना है। बरसात का समय एस्पर्गस को लगाने का सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें टाइम टाइम पे बारिश होती रहती है और हवा में मॉइस्चर भी रहता है। ये शतावरी का प्लांट गर्म और अधिक ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्र में बढ़िया से ग्रो करता है। ह्यूमिडिटी का मतलब जब हवा में नमी होती है, जो कि बरसात के टाइम में होती है। एक कंटेनर में हम 3 प्लांट लगा रहे हैं।
ये अपना बीच में ग्रो होता रहेगा और इधर किनारे किनारे अपने मैरीगोल्ड वो चलेंगे। स्ट्रॉबेरी के प्लांट को अच्छे ड्रेनेज वाले सॉइल में लगाना है, जिसमें कि सॉइल भी हो, सैंड भी हो, कोकोपीट अगर हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कंपोस्ट से हो चल जाएगा काम। वेल ड्रेनेज वाले सॉइल में पानी रुकता नहीं है, जिससे कि इसके जो ये ट्यूबर्स हैं वो ख़राब नहीं होते। ट्यूबर क्या, ये फैसिकुलेटेड रूट्स हैं, यही बड़े होकर मैच्योर होंगे, जिसका यूज हम ड्राई फ्रूट की तरह करते हैं। सतावरी का प्लांट अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें किसी भी तरह के इंसेक्ट अटैक अभी तक वैसे देखे नहीं गए हैं, जो कि गार्डन में ग्रीनरी तो ऐड करता ही है, और इसके हार्वेस्टिंग पे हमको इसके फैसिकुलेटेड रूट्स मिलते हैं, जिसका हम मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने एस्पर्गस के प्लांट को इस बड़े कंटेनर्स में लगा दिया है। एक कंटेनर में मैंने तीन तीन प्लांट को लगाया हुआ है, और बाकी के सारे इन प्लांट्स को हम छोटे छोटे पॉट्स में लगा देंगे, जो कि कुछ फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और गांव में लोगों को दिया जाएगा। और इस कंटेनर में मैंने सीड्स को डायरेक्ट लगा दिया था, जो कि काफ़ी नज़दीक नज़दीक तो हैं, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छे हैं, रूट्स इनमें भी काफ़ी अच्छे से ग्रो होंगी। हाँ तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।